रीवा शहर में धूमधाम से मनाई गई बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती, शहर में निकाली रैली। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां आज अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कई संगठनों द्वारा रीवा शहर में रैली निकाली गई। इस दौरान वाल्मीकि महापंचायत आजाद सहित कई संगठन शामिल हुए। रैली की शुरुआत रीवा के निपानिया चौराहे से की गई, जो रीवा शहर होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे एवं बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल ऑडिटोरियम में पहुंचे, जहां कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में प्रांतीय महासचिव SF सूर्यवंशी पहुंचे हैं और कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। रीवा से रोहित पाटिल की रिपोर्ट। कहां तक रैली निकाली, 14 अप्रैल 2023 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती है। मध्य प्रदेश महावाल्मीकि पंचायत, हम लोग खैरी से हर साल रैली निकालते हैं। साल भी खैरी नई बस्ती माध्यमिक विद्यालय से निपनिया होते हुए फोर्ट रोड होते हुए प्रकाश चौराहे सिल्वी प्लाजा से आज श्याम साय मेडिकल ऑडिटोरियम में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर बाबा साहब का 132वीं जयंती के समारोह पर आज सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक कार्यक्रम और हमारे अजास के प्रदेश महामंत्री CL सूर्यवंशी जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पधार रहे हैं और सभी संगठनों के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। सभी समाज के लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं, लेकिन आज कोई सामाजिक और कोई ऐसी बात नहीं है। सभी बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो पूरे विश्व में, पूरे 200 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। ये विश्व की सबसे बड़ी जयंती है। जो बाबा साहब के अनुयायी होते हैं वो भगवान की तरह और उनसे भी बड़ा दर्जा प्राप्त करते हैं और लोग उनकी जयंती को मनाते हैं। आज कार्यक्रम में, इस जयंती में बहुत हर्षोल्लास के साथ सभी लोग मना रहे हैं। मेरा हरिराम शास्त्री वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष है। आज हम अजास के द्वारा पूरे प्रदेश में, हर जिले में, हर तहसील ब्लॉक में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। सर्वप्रथम हम सभी देशवासी, प्रदेशवासी एवं अजास के साथियों को अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और आज जैसा सभी लोग जानते हैं कि विश्व में यदि ज्ञान के प्रतीक थे तो बाबा साहब, मानव को मानव की इज्जत देने वाले थे बाबा साहब, और इस देश को एक सूत्र में बांधने वाले थे बाबा साहब, ऐसे जो मानव को मानव बनाया और सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, जो देश में नहीं विश्व में जाने जाते हैं, और एक ऐसे नेता, ऐसे महापुरुष है कि जो है पूरे वर्ल्ड में इनको जाना जाता है और एक आदर्श माना जाता है। ऐसे महापुरुष की हम लोग आज जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पुनः हम सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। SL सूर्यवंशी, प्रांतीय महासचिव अजाक्स। दोबारा लगाओ ये।